16 मई को शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10 ए में ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे, तो इस चीज़ के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। सर, राखी सिंह के वकील के तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग का जोरदार विरोध। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्ष राखी सिंह ने रखा, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष ने उनकी बहस को अडॉप्ट किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कोई नई बहस नहीं की, एक दो पॉइंट्स को छोड़ के जो राखी सिंह के वकील ने बहस की उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया। और राखी सिंह ने और मुस्लिम पक्ष ने मिलके कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बहुत भ्रम फैलाया गया और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भ्रम को क्लियर करिए। कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज, कार्बन डेटिंग या और अदरवाइज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और ये बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है। कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के नीचे अर्घा है, जो वहां पे मिट्टी है, सॉयल है, जहां पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन डेटिंग मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है कार्बन डेटिंग को लेकर के 7 अक्टूबर को फैसला आएगा। आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष का वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, जो बता रहे कि सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की गई, बल्कि कार्बन डेटिंग के अलावा जो भी वैज्ञानिक पैमाने हैं उनके आधार पर जांच की जानी चाहिए।